नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कपिल काटपाल और आज का सेशन, जैसा आप इसका टाइटल देख रहे हैं, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रखिएगा। आज का सेशन मैं लेने वाला हूं प्रीवियस 3 दिन के एमसीक्यूज, क्योंकि हमारा एमसीक्यूज का बैकलॉग क्रिएट हुआ था। तो आई वांट कि एमसीक्यूज मैं बिल्कुल स्मूथली आज उसको कवर कर दूं। आज हम करेंगे 11, 12 और 13 फरवरी के एमसीक्यूज इस सेशन में, और फिर मैं आपके लिए जो आज की करंट अफेयर्स प्लस कल की करंट अफेयर्स का सेशन कल ले लूंगा। आज मोर ओवर आज आपका एग्जाम भी आरबी असिस्टेंट का, तो काफी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, आई नो दैट, फॉर द करंट अफेयर सेशन। तो सोचा कि आज हम करंट अफेयर्स का सेशन ही कर लें, ताकि हमारा जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाए। और इसके साथ ही हम फिर दोबारा से, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे सर एमसीक्यूज पीछे चल रहे हैं, एमसीक्यूज पीछे चल रहे हैं, सो आई वांट कि एमसीक्यूज भी आपके स्मूथली साथ ही साथ चलते रहें। तो अगर जब तक बैकलॉग खत्म नहीं होता, तब तक फिर हम आगे फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम आती। तो इसलिए आज सोचा मैंने एक्सक्लूसिव एमसीक्यू सेशन लेने का। ओके, सो जैसे मैं एमसीक्यू स्पेशल क्लास में लेता हूं, वैसे ही आज यहां पर लूंगा, और फिर कल आपके लिए एक स्पेशल क्लास ली जाएगी जिसमें आज की और संडे की करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर मैं एक सेशन आपका ले लूंगा। उस सेशन की टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। और दिस इज द एमसीक्यू सेशन, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, प्लस सब्सक्रिप्शन जीनी 10 कोड यूज कर लीजिएगा जब भी लेना हो। इसका जो आपको पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। रोज डेली सुबह 7:30 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूँ, बट आज मैं एमसीक्यूज की क्लास ले रहा हूँ, आज करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली जा रही है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में फौरन फटाफट आप आंसर देते रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास नियर अबाउट 100 क्वेश्चन है आपके इन 3 दिनों के, ठीक है, ज्यादा ही होंगे, 100 से भी ज्यादा होंगे। तो जल्दी से जल्दी हमें स्पीड से हमें कवर करने पड़ेंगे, ताकि बहुत ही मिनिमल टाइम में हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। ठीक है, तो प्लीज फास्टली आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जितने लोग मैक्सिमम आंसर दे सकेंगे उतना मजा आएगा। ठीक है, सभी के सभी, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आप आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, सो राइट आंसर इसका है तेलंगाना। सो ये दो डाटा सेंटर जो सेटअप करने जा रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, सो यहां पर कॉस्ट पूछी गई है, राइट। ओके, सो इसकी कॉस्ट आएगी आपकी 11,624 करोड़ रुपीज, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इनॉग्रेट किया दिशा पुलिस स्टेशन को आंध्र प्रदेश में, कौन सी जगह पे, एग्जैक्ट जगह का नाम यहां पर पूछा गया है। ओके, जगह का नाम पूछा गया है यहां पर आपसे। ओके, सो राइट आंसर इज दी राजा महेंद्रवरम, सी इज दी राइट आंसर। यहां पर आपका जगनमोहन रेड्डी जी ने दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, कौन से स्टेट में अभी हाल ही में दिशा एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके तहत वीमेन एंड चिल्ड्रन अगर सेक्सुअल असोल्ट उनके साथ होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी कंप्लीशन में उसको 7 दिन इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में 14 दिन वर्किंग डेज आपका इंप्लीमेंट किया गया, उसको कंप्लीट होना चाहिए, ये कौन से स्टेट में किया गया है। ओके, सो दिस इज दी आंध्र प्रदेश, बी इज दी राइट आंसर। हाउ मेनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं दिशा एक्ट के तहत, दिशा एक्ट के तहत कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, कितने किए गए हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पुलिस स्टेशन, और ये है 13 कोर्ट्स और 18 पुलिस स्टेशन आपके सेटअप किए गए हैं दिशा एक्ट के तहत। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज का सेशन पसंद आ रहा होगा। जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उनको बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यू सीरीज जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, उनमें से सबसे बेस्ट एमसीक्यूज है। एक पूरी की पूरी न्यूज में से चाहे 3 एमसीक्यू बने, चाहे 4 क्वेश्चन बने, चाहे 6 बने, चाहे 10 क्वेश्चन बने, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको लेकर आता हूं। टोटल के टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक न्यूज में से, मैं वो सारे के सारे आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में करवाता हूं। तो इससे बेस्ट एमसीक्यूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं वन लाइनर के पीछे मत भागिए, अच्छे से डिटेल में करंट अफेयर्स को कीजिए, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, मेगा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, कहां पर होगी मेगा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। देख लिया, आज लोग लाइव भी बहुत कम है। ओके, लाइव भी बहुत कम है, आई नो दैट, एग्जाम है तो आज लोग लाइव भी नहीं आएंगे। कल काफी हद तक लाइव थे, आज भी नहीं, आज नहीं है लाइव लोग। ओके, दिस इज द वडोदरा इज द राइट आंसर, राइट। नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द मेगा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन।
कमेंट्स में आंसर सभी सभी दे दीजिएगा, चाहे आपको आता है, चाहे आपका गलत है, चाहे आपका सही है, प्लीज़ कमेंट्स में आंसर कुछ भी जो भी आपके माइंड में है वो ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर दीजिएगा। द राइट आंसर इज द फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच विल इंट्रोड्यूस द एन इंटर्नशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। राइट आंसर इज द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको देगा। ईच यूथ हु विल डू इंटर्नशिप फॉर 6 months एट 1 year विल बी गिवन हाउ मच एज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कितना दिया जाएगा आपका इसी इंटर्नशिप स्कीम जो पिछले क्वेश्चन में बात की थी हमने। राइट आंसर इज द 2500। विच सिटी एंड स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टोबैको फ्री टाउन। टोबैको फ्री टाउन आपका डिक्लेयर किया गया है इस पर्टिकुलरली स्टेट का। राइट आंसर इज द जशपुर छत्तीसगढ़। स्टेट टू इम्पोज परमानेंट बैन ऑन हुक्का बार्स। हुक्का बार्स पे परमानेंट बैन कौन सा स्टेट लगाने जा रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि मैं इसके डिटेल फॉर्म में आपको समझा नहीं रहा, इसकी ऑलरेडी डिटेल फॉर्म में हम करंट अफेयर्स प्रीवियस डे में कर चुके हैं। इट्स जस्ट द एमसीक्यू सेशन, ये जस्ट एक प्रैक्टिस का सेशन है, तो इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। डी राइट आंसर छत्तीसगढ़ इज दिस। उड़ान स्कीम के तहत, उड़ान स्कीम के तहत आपका पहली हेलीकॉप्टर सर्विस कौन से स्टेट ने आपकी लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत? सो दिस इज द सी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज नॉट कवर्ड अंडर द हेलीकॉप्टर सर्विस इन यूके अंडर उड़ान स्कीम विच हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड बाय द मोका। सो दिस इज द नैनीताल। नैनीताल राइट। हुनर हाट इनॉग्रेटेड इन इंदौर बाय विच मिनिस्ट्री? हुनर हाट इनॉग्रेटेड इन इंदौर बाय विच मिनिस्ट्री? सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। राइट। नेम द चीपेस्ट गन शूट लोकेटर डेवलप बाय द इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग विद द प्राइवेट फर्म। सो दिस इज द सी, दैट इज द पार्थ। पार्थ इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गन शूट लोकेटर डेवलप बाय द इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग विद द प्राइवेट फर्म? सो दिस इज द ए, दैट इज द 3 lakh रुपीज उसकी कॉस्ट है। गन शूट लोकेटर डेवलप बाय द इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग विद द प्राइवेट फर्म इज कैपेबल ऑफ लोकेटिंग अ बुलेट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। कितने डिस्टेंस से वो लोकेट कर लेगी उस पर्टिकुलरली आपकी गन शूट को? सो द राइट आंसर इज द बी, दैट इज द 400 meter। नेम द हाइएस्ट पीक इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे हाइएस्ट पीक कौन सा है? सो दिस इज द माउंट अकोन काउगा। काम्या कार्तिकेन, एक 7th class 7 स्टूडेंट है नेवी चिल्ड्रन स्कूल से। ये यंगेस्ट गर्ल बनी है इन द वर्ल्ड जिन्होंने इस पर्टिकुलर माउंटेन को सबमिट किया है, क्लाइम किया है। हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का। ये कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? काम्या कार्तिकेन कौन से सिटी से बिलोंग करती हैं आपकी, ये आपको बताना है। सो शी बिलोंग्स टू मुंबई, मुंबई से बिलोंग करती हैं। As per the researchers of the Robert Koch Institute in Germany and the Humboldt University, what is the ranking of India in importing the coronavirus? That is the COVID, इसको नया नाम दिया गया है, COVID 2019. India का रैंक है इसमें 17th. Chief Minister Tamil Nadu announced which delta to be declared as the protected special agriculture zone. Protected special agriculture zone आपका अनाउंस किया गया है किस डेल्टा को? किस डेल्टा को? सो दिस इज दी कावेरी डेल्टा को। कावेरी डेल्टा को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर किया गया है। एडीबी ने अप्रूव किया फंडिंग ऑफ हाउ मेनी मिलियन टू कम्बैक द नोवल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एडीबी ने कितने फंड्स को आपका अप्रूव किया है? अप्रूव द फंडिंग ऑफ हाउ मेनी मिलियन।
राइट आंसर इज दी $2 million, $2 million आपका अप्रूव किया गया है. द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल इज टू बी हेल्ड वेयर. ओके, दिस इज द इंडिया, इंडिया में होने वाली है. नेम द मिनिस्ट्री टू बी होस्टिंग 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट करेगी आपकी? ओके, सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होस्ट करेगा. व्हाट विल बी द थीम, थीम क्या रहेगी इस पर्टिकुलरली कॉन्फ्रेंस की, 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बी हेल्ड इन इंडिया, इसकी थीम क्या रहेगी, व्हाट विल बी द थीम? Okay, so this theme would be the migratory species connect the planet and we welcome them. Okay, so this will be the theme of this. What is the mascot designated for the CMS COP13? Okay, mascot. Mascot kya rahega is CMS COP13 ka? Okay, so Indian bustard will be the mascot. Okay, Indian bustard aapka mascot rahega iska. एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन इज बीइंग लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है? ओके, सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है. पद्मश्री अवार्ड गिरिराज किशोर इज एसोसिएटेड विद, ओके कौन से अवार्डी, पद्मश्री अवार्ड गिरिराज किशोर किससे रिलेटेड है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है? दिस इज द हिंदी नॉवलिस्ट है, हिंदी नॉवलिस्ट, इनका हाल ही में निधन हुआ. वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश किया था और कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो द राइट आंसर इज दी डी, दैट इज एस्टेब्लिश बाय द FAO एंड सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ऑफ फेब्रवरी. When is the National Dewarming Day happens? Okay, National Dewarming Day कौन से दिन होता है? National Dewarming Day, okay, National Dewarming Day आपका कब होता है? ये होता है आपका 10th of February को. National Dewarming Day is organized by which ministry? कौन सी ministry के द्वारा इसको organize किया जाता है National Dewarming Day को? और ये organize किया जाता है आपका Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा. The center has created to rename the National Institute of Financial Management Faridabad. इस particular institute को क्या नाम दिया गया है? National Institute of Financial Management को rename किया गया है. फरीदाबाद को किस नाम से rename किया गया है? Okay, so इसको नाम दिया गया है अरुण जेटली National Institute of Financial Management. ये नाम दिया गया है इसको. Okay. फर्स्ट जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच सिटी, ओके पहला जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल कौन सी सिटी में हुआ था आपका, कौन सी सिटी में आपका होने वाला है? ओके, सो दिस इज द मुंबई, मुंबई में ही आपका होने वाला है, राइट. नेक्स्ट, विच नेशन हैज प्रपोज $1.5 billion $1 billion इन बजटरी एलोकेशन फॉर 2021 फिस्कल फॉर क्रूशियल इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, सो ये आपका कौन सा नेशन आपका 1.5 बिलियन उसके बजट में उसने एलोकेट किया है, कौन से रीजन के लिए, कौन से नेशन ने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और ये किया है यूएसए, यूएसए के लिए प्रपोज किया है इन्होंने. नेक्स्ट, हाउ मच मनी इज इंक्लूडेड इन बजट फॉर द ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर बाय यूएसए डेडिकेटेड टू काउंटरिंग फॉरेन स्टेट एंड नॉन स्टेट प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइना. ओके, सो इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है आपका, कितनी मनी एलोकेट की गई है यूएसए के द्वारा इस पर्टिकुलरली वर्क के लिए? एंड द राइट आंसर इज द $30 million, $30 million. Realme Paisa फाइनेंशियल सर्विस ऐप है, स्मार्टफोन ब्रांड Realme की, इसने हाथ मिलाया अभी NPCI के साथ, कौन से बैंक के साथ ये मिलकर UPI हैकेथॉन को आपका कंडक्ट करवाएगा, UPI हैकेथॉन को किस बैंक के साथ मिलकर कंडक्ट करवाएगा? ओके, सो द ये करवाएगा आपका HDFC के साथ मिलकर, राइट. नेक्स्ट, वेयर द इवेंट ऑफ UPI हैकेथॉन विल हेल्ड विच विल कंडक्ट अ कंपटीशन अमंग द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मोस्ट प्रॉमिसिंग UPI सॉल्यूशन विल बी जस्ट इन अ फिनाले ऑन 11th May 2020. ओके, सो ये आपका कहाँ पर होने जा रहा है ये इवेंट UPI हैकेथॉन का, और ये इवेंट आपका होगा कहाँ पर? मुंबई में होगा, मुंबई में.
नेक्स्ट हु विल हेड जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल, कौन हेड करेगा जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल को, ओके, और ये हेड किया जाएगा किसके द्वारा, दैट इज दी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू, जो कि LG हैं आपके जम्मू कश्मीर के। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू विल हेड हाउ मैनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स रहेंगे इस पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल में, कितने मेंबर्स रहेंगे आपके इसके, ओके, सो ये मेंबर रहेंगे आपके 24 मेंबर्स विल बी देयर। नेम द चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि नॉमिनेट किए गए हैं इस पर्टिकुलर, चेयरमैन बनेंगे वो 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द STIC, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पिछली आपकी दूसरी कमेटी थी, ये आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है। सो इसमें क्या नाम है उनका जिनको इसका चेयरपर्सन, 6 मेंबर की कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, और इनका नाम है आपका BVR सुब्रमण्यम, ए वुड बी द राइट आंसर। नेम द सिटी, कौन सी सिटी को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क मिलेगा, ओके, कौन सी सिटी को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क आपका दिया जाएगा, राइट आंसर आपका रहेगा मुंबई, ओके, मुंबई वुड बी दी राइट आंसर। विच बॉडी विल डेवलप एन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन मुंबई टू मेक दिस नेटवर्क एज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ओके, सो कौन सी बॉडी आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क मुंबई में आपका ये डेवलप करने जा रही है, एन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन मुंबई टू मेक दिस नेटवर्क एज द लार्जेस्ट इन इंडिया, ओके, सो कौन सी बॉडी आपका डेवलप करेगी, दैट इज द BMC, ओके, BMC वुड बी द राइट आंसर। द BMC ये डेवलप करेगी कितनी लोकेशंस पे, मुंबई में कितनी लोकेशंस पे ये आपका एस्टेब्लिश करने जा रही है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को, ओके, सो ये एस्टेब्लिश करने जा रही है आपका 90 प्लेसेस पर, 90 वुड बी द राइट आंसर। BMC प्लान कर रही है आपका 80 रियल टाइम, ओके, सो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, 80 है 90 है, ठीक है, जब न्यूज़ मैंने करवाई थी तो आपको इसके बारे में क्लियर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या है, कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, ओके, द राइट आंसर वुड बी द 5 करोड़ इसमें आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज ऑथर्ड द फॉलोइंग बुक्स, किसने लिखी है ये बुक, व्हाट एल्स इंडियन पार्लियामेंट एंड द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, ये बुक किसने लिखी है आपकी, ओके, सो ये बुक आपकी लिखी है A. Surya Prakash जी ने, ओके, इनका हाल ही में, ओके, सो A. Surya Prakash हैज रिटायर्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एज चेयरपर्सन, ओके, सो अभी हाल ही में ये रिटायर हुए हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एज अ चेयरपर्सन, एज अ चेयरपर्सन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुए हैं, एंड ये रिटायर हुए हैं आपके प्रसार भारती से, ओके, ए विल दी राइट आंसर। Which bank has appointed Anjani Rathod as its new group head digital banking, ओके, Anjani Rathod को कौन से बैंक का आपका अपॉइंट किया गया है डिजिटल बैंकिंग का आपका ग्रुप हेड, और ये है आपका HDFC बैंक में अपॉइंट किया गया है इंजीनियर राठौड़ को। हु हैज बीन कंसीडर्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसको कंसीडर किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, एंड ये आपका कंसीडर किया गया है आपका पुलेला गोपीचंद की हम बात करें, बैडमिंटन के आपके कोच, बैडमिंटन के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रह चुके हैं। पुलेला गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, क्वेश्चन आई है आपका, पुलेला गोपीचंद कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ओके, सो ये बिलोंग करते हैं आपके, जैसा मैंने बताया, बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, ओके, बैडमिंटन से आपका बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द एलन बॉर्डर मेडल, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड है ये आपका, एलन बॉर्डर मेडल किसको मिला है, किसने जीता है आपका ये अवार्ड, ओके, सो ये जीता है आपका किसने, ये जीता है आपका डेविड वार्नर ने, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। हु वॉन द बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, जो कि आपका अवार्ड दिया जाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के द्वारा फीमेल को, ओके, फीमेल कैटेगरी में बेलिंडा क्लार्क अवार्ड फीमेल क्रिकेटर को दिया जाता है, और ये आपका जीता है एलिसी पैरी ने ये अवार्ड आपका जीता है, ओके। नेक्स्ट है, नेम द बैंक विच केम एट द बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 इंस्टीट्यूट बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन, कौन से बैंक को आपका बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 में आपका ये अवार्ड दिया गया है, कौन से बैंक को इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, ओके, यहाँ पर नियर अबाउट 230 लोग 240 लोग लाइव हैं, ठीक है, यार कमेंट्स में 240 कमेंट्स तो आ नहीं रहे किसी एक क्वेश्चन के, किसी एक क्वेश्चन के 240 कमेंट्स तो आने चाहिए एटलीस्ट, तो सभी के सभी कमेंट तो करो, चाहे आपको आंसर आता है नहीं आता, आप कोशिश तो करो, ए होगा यहाँ कौन
सा एग्जाम चल रहा है जो आपका -0.25 हो जाएगा, ठीक है, -0.5 हो जाएगा, कुछ भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा कुछ तो नहीं है। ट्राई तो करके देखो, तुक्का तो मारो, गैस तो करो कि आपका सही हो जाए। तो इस अकॉर्डिंग टू मी 240 लोग लाइव हैं, एटलीस्ट नीचे 240 कमेंट्स, 240 तो आने चाहिए। मान लीजिए सी इज देयर, तो 240 लोग सी तो लिखो, उस पर टाइप तो करो, ठीक है। तो प्लीज़ करो, करके तो देखो, अच्छा लगेगा। टैगलाइन ऑफ साउथ इंडियन बैंक, टैगलाइन क्या है साउथ इंडियन बैंक की? अभी भी नहीं करते कमेंट, अभी भी नहीं किया, बोलने के बाद भी नहीं किया। ओके, ये है आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ओके, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग टैगलाइन है। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक, ओके, हेडक्वार्टर क्या है साउथ इंडियन बैंक का? हेडक्वार्टर कहाँ है साउथ इंडियन बैंक का? ओके, राइट आंसर इज थ्रिसुर, थ्रिसुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका नेम द सिटी वेयर द नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस, ये आपकी होगी। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी? ओके, सो ये आपकी भोपाल में होगी, राइट। नेक्स्ट, द फिफ्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्साइड अजेया वेरियर विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फिफ्थ एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्साइड अजय वेरिया कौन सी कंट्री के साथ हो रही है, इंडिया की? ओके, सो दिस इज डी इज द यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ। वेयर विल बी द फिफ्थ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्साइड अजय वेरियर, ये आपके इंडिया यूके के बीच में कौन सी जगह पे होगी, कहां पर होगा पांचवा एडिशन इसका? वेयर विल बी द फिफ्थ एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्साइज? ओके, सो दिस विल बी द सैलिसबरी प्लेन्स। ओके, सैलिसबरी प्लेन्स यहाँ पर ये होगा। नेम द बेस्ट पिक्चर इन ऑस्कर अवार्ड्स, ओके, सो बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड्स में क्या नाम है उसका? दिस इज द पैरासाइट, पैरासाइट विल बी द राइट आंसर, बेस्ट इन द ऑस्कर अवार्ड्स। नेम द बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ऑस्कर अवार्डी, ओके, सो बेस्ट एक्ट्रेस है आपकी लीडिंग रोल ऑस्कर अवार्डी में, कौन है आपकी बेस्ट एक्ट्रेस? ये है आपकी रेनी ज़ेलवेगर, ओके, सो इनको दिया गया है आपका ये अवार्ड। नेम द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अवार्डी, ओके, सो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अवार्डी किसको दिया गया है? एंड दिस इज द हेयर लव, हेयर लव को आपका बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड दिया गया। सो ये बाकी सारे विनर्स हैं जो मैंने आपको सॉर्ट आउट करके बताए थे कि एटलीस्ट ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो और भी हैं, खैर, मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैंने बोला था कि हाँ ये याद रख लीजिएगा, तो ये रहे आपके सामने, वो मैंने दिए हैं आपको, राइट। चलिए, बाकी भी हैं, इसके अलावा भी हैं जो डिटेल की करंट अफेयर्स में, उसके अलावा भी मैंने वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी नाम दिए हैं। सिप्ला ने आपका कौन सी ब्रांड को अभी हाल ही में एक्वायर किया है, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी को हाल ही में इसने एक्वायर किया है? ओके, सो द कंपनी नेम इज दी वैनबरी, वैनबरी को इसने एक्वायर किया है। सिप्ला ने आपका एक्वायर किया हाउ मेनी ब्रांड्स, कितने ब्रांड्स को एक्वायर किया है वैनबरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से? ओके, कितने ब्रांड्स को इसने एक्वायर किया है, कितने नंबर ऑफ ब्रांड्स को? और ये है आपके चार, चार ब्रांड्स को इसने एक्वायर किया है वैनबरी के। ओके, सो दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, देख लो यार, पढ़ लो क्या है। ओके, सो ये बेसिकली एनिमल का नाम पूछा गया जो कि आपका एक्सटिंक्ट हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लेन देखने को मिला है 75 से 90% में। ये आपका एक स्टडी कंडक्ट की गई साइंटिस्ट फ्रॉम सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेंगलुरु कर्नाटका एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड देहरादून के द्वारा। और ये राइट आंसर है, इंडियन लेपर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, राइट, इंडियन लेपर्ड्स। नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सेटअप किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जिसका नाम है सरस, दैट इज साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड द सपोर्ट। ओके, सो ये है उसका फुल फॉर्म, सरस साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया? राइट आंसर है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड आपका इसका सही आंसर है। सर साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट एंड एनसीएल एस्टेब्लिश आरएनडी सेंटर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है कोल माइनिंग का।
कौन से इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है हाल ही में, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन आपका रहा है इसका, एंड द राइट आंसर है इसका आईआईटी बीएचयू के, आईआईटी बीएचयू वाराणसी के साथ इसका टाई अप रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस सेमिनार कौन सी सिटी में होगा, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस सेमिनार कौन सी सिटी में आयोजित किया जाएगा, एंड द राइट आंसर है इसका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आपका इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, सेमिनार ये कंडक्ट किया जाएगा। The 23rd National Conference on e-Governance to transform governance using digital technologies was held in which city? Okay, कौन सी सिटी में आपकी ये हुई है 23rd National Conference on e-Governance, और ये हुई है आपकी मुंबई में, मुंबई में आपकी हुई है। नेम द स्टेट विच हैज इमर्ज एज लीडर्स इन डिलीवरिंग ई गवर्नेंस सर्विस, ओके सो स्टेट कहाँ पर इमर्ज होगा एज द लीडर्स इन डिलीवरिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज, ओके सो ये आपका होगा कहाँ पर, डी बोथ ए एंड सी, ओके सो ये आपका नेम द स्टेट जो लीडर सामने बनकर आए हैं दैट इज द उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, बोथ आर दी सॉरी हरियाणा एंड राजस्थान इज द राइट आंसर। The Golden Award for Outstanding Research on Citizen-Centric Services was presented to which IIT? Okay, so Golden Award आपका Citizen-Centric Service के लिए किस IIT को present किया गया है, और ये award आपका दिया गया है IIT Roorkee को, IIT Roorkee को ये award आपका present किया गया है। Name the North Eastern State which has won the first rank in National E-Governance Award held in the Mumbai. कौन से स्टेट को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है इसी अवार्ड सेरेमनी में, एंड द राइट आंसर इज द नागालैंड। नेम द नेशन विच हैज नॉट डेलिब्रेटेड एमओयू, एमओयू आपका किसने अभी हाल ही में साइन नहीं किया था आपका, जो कि एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था आपका कुछ देशों के बीच में, और ये है आपका म्यांमार ने इसको साइन नहीं किया था। ओके विच स्टेट हैज लॉन्च द 1500 करोड़ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ओके कौन से स्टेट ने 1500 करोड़ की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आपकी लॉन्च की है, एंड दिस इज द राइट आंसर इज दी ओके ठीक है सो ये आपकी लॉन्च की है इन्होंने हरियाणा ने, ओके हरियाणा ने ये लॉन्च की है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी हाउ मेनी रुपीज टू दी फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए डीबीटी टू बैंक अकाउंट्स, ओके सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सो दिस इज द 6000 रुपये किया जाएगा। विच स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टी एम थॉमस इसाक इन्होंने आपका अनवील किया कुदुमश्री होटल्स को, कुदुमश्री होटल 1000 कुदुमश्री होटल्स आपके एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इससे 2500 रुपये में आपका खाना मिलेगा। राइट राइट आंसर इज द केरला, केरला इज द राइट आंसर 1000 कुदुमश्री होटल्स, 1000 कुदुमश्री होटल्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज मील्स एट द कॉस्ट ऑफ, ओके सो कितने कॉस्ट पे आपका ये खाना मिलेगा उनको कुदुमश्री होटल्स subsidized meals, okay right answer is the 25 rupees only 25 rupees according to 1000 kudumshri hotels budget hotels will be set up in how many of each of the local bodies, okay so 1000 kudumshri hotels aapka ye set up kiye jayenge how many of each of the local bodies, okay so kitni local bodies that is the 1034 local bodies। इवामी ग्रुप एग्री किया है अपने कंटेंट को सेल इट सीमेंट यूनिट, सीमेंट यूनिट वो आपकी सेल कर रही हैं विच कंपनी फॉर एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द 5500 करोड़, ओके 5500 करोड़ में आपका ये सेल कर रही है सीमेंट यूनिट फॉर एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द 5500 करोड़, और ये आपका सेल कर रही हैं, ओके सो दिस इज द सेलिंग इज द दैट इज द नोवोको विस्टास, नोको विस्टास इज द सब्सिडरी ऑफ द निर्मा ग्रुप। राइट नेम द स्टेट हुज गवर्नमेंट हैज साइन 23 MOUs वर्थ ₹50,000 करोड़, और ये डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स, ओके सो यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है इसमें आगे आना चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स MOU साइन किए गए हैं, राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश है।
ओके, बंधन प्रोग्राम इज रिलेटेड विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है आपका बंधन प्रोग्राम, बंधन प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री से आपका रिलेटेड है, ओके, बंधन प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट आंसर आपका है दैट इज द डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है आपका ये. नेम द कंपनी विच हैड एक्सेप्टेड सी चीफ एग्जीक्यूटिव तिंजाने थियाम रेजिग्नेशन. ओके, तिंजाने थियाम ने रेजिग्नेशन दिया है कौन सी कंपनी के सीईओ से, सीईओ के पद से इन्होंने रिजाइन दे दिया है. And the right answer is the Credit Suisse. Credit Suisse is the right answer. Who will be the CEO of Credit Suisse after the resignation? Okay, इनके resignation के बाद कौन बनेगा CEO of the Credit Suisse? और ये आपके बनेंगे, A is the right answer, Thomas Goldstein. Okay, Thomas Goldstein. Okay, चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर. ओके, सो बी इज द राइट आंसर. ओके, चलो नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओके, क्या है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम, अमोघा थ्री है. अमोघा थ्री इज द राइट आंसर. ओके, नेम द हैवीवेट टॉर्पेडो एंड अंडर वाटर वेपन विच बीडीएल हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी. ओके, इंडियन नेवी ने आपका हैंड ओवर किया है हैवी वेट टॉर्पिडो अंडर वाटर वेपन को. ओके, एंड द राइट आंसर इज द ए, इज द वरुणास्त्र इज द राइट आंसर. ओके, नेम द सी एम डी ऑफ द बी डी एल. बी डी एल के सी एम डी का नाम क्या है आपका, सी एम डी ऑफ द बी डी एल क्या नाम है इनका, द राइट आंसर इज द सिद्धार्था मिश्रा. सिद्धार्था मिश्रा इज द राइट आंसर ऑफ द सी एम डी ऑफ द बी डी एल. Who has also developed a full body protection bulletproof jacket which can withstand even sniper rifles. Okay, so ये है आपका full body protection bulletproof jacket. Okay, so ये आपका sniper rifle को भी रोक सकते हैं. किसने आपके develop की है, right answer है इसका आपका B, अनूप मिश्रा. अनूप मिश्रा. World first bulletproof helmet developed by Indian Army under the project whose name is. Okay, so project का नाम क्या है जिसके तहत आपका पहला bulletproof helmet develop किया गया है Indian Army के द्वारा. And this is the A is the right answer. Abhedya. Abhedya is the right answer. The pension fund regulatory PFRDA ने decide किया है उनके जो minimum net worth criteria है pension fund managers का 25 करोड़ से कितना तक किया जाए, कितना increase कर दिया गया 25 करोड़ से उसको, from 25 करोड़ to how much करोड़. okay, कितना increase किया गया है. right answer इसका C है, that is 25 से 50 करोड़ रुपीज आपका किया गया है. म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. म्यूचुअल फंड्स आपके किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं. म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. ओके, राइट आंसर इसका है आपका सी, दैट इज द सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, सो इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, दैट शुड बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, सेबी की फुल फॉर्म यहाँ पर सही कर लीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका राजू भरथन इज एसोसिएटेड विद. ओके, हाल ही में इनका निधन हो गया. कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे राजू भरथन. ओके, ये बिलोंग करते थे आपके क्रिकेटर थे. ओके, क्रिकेटर थे राजू भरथन. नेम दी ओके, ठीक है. सो नेम दी फर्स्ट फुल लेंथ क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री मेड इन द 1974. ओके, ओके, सो यहाँ पर पहली फर्स्ट फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री नाम था इसका विक्ट्री स्टोरी. विक्ट्री स्टोरी उसका नाम था, राइट. नेक्स्ट है पी परमेश्वरम जिनका हाल ही में निधन हो गया. कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे ये आपके. डज नॉट बिलोंग फ्रॉम विच, डज नॉट बोला है मतलब सब कुछ थे बट इनमें से एक नहीं थे ये पूछा है आपसे. ओके, सो राइट आंसर इसका है सी, प्रोड्यूसर नहीं थे, बाकी सब कुछ सभी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे. ओके, सो थैंक यू सो मच. आज के सेशन में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा. आज हमने क्वेश्चंस किए हैं टोटल, मैं आपको बता दूं हमने कर लिए हैं 192 स्लाइड्स हैं. 192 स्लाइड में से अगर मैं निकाल दूँ स्टार्टिंग की चार स्लाइड, सो 188. सो वी हैव डन दी हाउ मच क्वेश्चन वी हैव डन. ओके, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए आज. कितने क्वेश्चन किए हमने, कैलकुलेशन करो.
हो गए, चलो आधे जितने भी हो गए, ठीक है। तो आधे मैथ्स कमजोर है, मैथ्स यार आपकी लगता है ना 94, कोई 99 को 50 करे, कमाल कर दी यार। ठीक है तो चलिए जितना भी है, एंड उम्मीद करना मैगजीन मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगी। ओके सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने दे रखा है लिंक, यहाँ ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। रोज सुबह 7:30 बजे वैसे यहाँ करंट अफेयर्स लेता हूँ, और इतने क्वेश्चन आधे घंटे में कौन सा टीचर करवाता है यार, ठीक है। वो भी 3 दिन के एमसीक्यूज, वो भी डीप डीप जाकर। ओके इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, बस डेली फॉलो करते रहना, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। कल भी एक करंट अफेयर्स का सेशन लूंगा मैं, टाइमिंग आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सुबह कोई सेशन नहीं रहेगा, ठीक है, इवनिंग या रात को ही होगा, जिसमें मैं करंट अफेयर्स आज की और संडे की करवा दूंगा। ओके और उसके बाद रूटीन में हमारे सुबह 7:30 बजे क्लास रहा करेगी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, एंड थैंक यू फॉर बींग विद मी, सी यू।